हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो दोस्तों, ये सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखाएंगे। तो अब हमें एटीएम कार्ड को एक्टिवेट करने के लिए इसे इनबॉक्स कर लेना है। और दोस्तों, ये फेविकॉल से चिपका रहता है एटीएम कार्ड, तो फेविकॉल इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इस तरह से इसे साफ़ कर लेना है दोस्तों, और बाद में हमें एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालना है। तो दोस्तों, अब हमें एटीएम कार्ड को अंदर डाल रहे हैं, और ये चिप है जो आगे की तरफ रहनी चाहिए। प्लीज़ वेट, अब हमें कुछ सेकंड के लिए दोस्तों इंतज़ार करना होगा। जो ऊपर से करेक्ट चेंज पिन है सेकंड नंबर, उस पर क्लिक करना है। जो आपको तीर का निशान दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। अब ओटीपी जनरेशन के लिए ऊपर फर्स्ट नंबर बटन है, उस पर पुश करना है ओटीपी जनरेशन के लिए। अब हमारे अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया है, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 6 डिजिट में है ये। अब हमें एटीएम कार्ड को रिमूव करके फिर से अंदर डालना है एटीएम मशीन के अंदर। अब हमें कुछ सेकंड के लिए इंतज़ार करना होगा, 1-2 सेकंड के लिए। प्लीज़ वेट। अब दोस्तों, करेक्ट चेंज पिन पे क्लिक करना है। अब ओटीपी वैलिडेशन पे क्लिक करना है हमें, जो ऊपर से सेकंड नंबर बटन है। अब दोस्तों, ये ओटीपी है 6 डिजिट की, ये हमें डालना होगा। इस तरह से हमें ओटीपी डालना है, 6 डिजिट ओटीपी, जो हमारे अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर पे आया था। बाद में हमें यस करना है। अब पिन चेंज, तो हमारा जो भी हम एटीएम कार्ड के पिन नंबर रखना चाहेंगे वो डालना है 4 डिजिट में। री इंटर, फिर से हमें वही पिन री इंटर करना है, फिर से डालना है योर ट्रांजेक्शन इज़ अंडर प्रोसेस। तो दोस्तों, प्रोसेस हो रही है। तो अब हमारा एटीएम कार्ड एक्टिवेट हो गया है पिन चेंज सक्सेसफुली। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना।